squad stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits coming up. Assalamualaikum guys, hopefully आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ। आज एक्चुअली हमने अपने कज़न्स की फैमिली की दावत की है घर में, तो उनकी खाने पीने के लिए मैं सामान बाहर लेने जा रहा हूँ। तो चलते हैं सामान लेने। अभी प्लान बना रहे हैं क्या बनाए आज उनके लिए, क्योंकि मेरा कज़न है वो यूके से आया हुआ, तो मसालों की हमने दावत करनी थी, तो आज आएँगे रात को। तो चले अब प्लान बनाते हैं क्या हम लेने जा रहे हैं। तो चलते हैं अब शॉप पर। अब हम आए चिकन की शॉप पे, और ये रहे बेचारे चिकन, और यहीं पे उनकी सब्ज़ी की भी शॉप है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि हमें क्या लेके जाना है। तो चिकन हमने अभी ऑर्डर किया है, वो आप काट रहे हैं। आप आपको काटते हुए नहीं दिखा सकते क्योंकि वायलेंस में आ जाती है वीडियो। तो अभी इसके बाद हमने सब्ज़ी लेनी है और कुछ और चीज़ें लेनी हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा रास्ते। तो वही वहाँ पर सब्ज़ी ले रहा है, तो मैंने अभी लिया है स्ट्रॉबेरी, पुरानी हो रही है, मैंने कहा यहाँ पे फ्रेश पड़ी थी तो ले लूँ। अभी और सामान ले रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। सामान ले लिया हमने सारा, और अब हम जा रहे हैं वापस घर। मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ लिया है। ये लगा हुआ सामान साइड से। यार इन दिनों में इतनी गर्मी हो गई है ना, इतनी धूप निकल आई है कि बाहर आना एकदम रंग मरा काला हो जाता है। और अब चलते हैं घर की तरफ, घर जाके बनाना भी है, साथ हेल्प करूँगा अम्मी की। तो चलते हैं अब। सो गाइज, मैं घर गया था, सारा सामान छोड़ के आया हूँ इधर बेकरी में आया हूँ, जो यहाँ की सबसे बेस्ट बेकर है, मैं आपको दिखाता हूँ। पता नहीं आपको नज़र आ रहा बिकनी, और अब मैं यहाँ से लेने लगा हूँ कुछ थिंग्स लेनी है जिनको। ये ब्रेड एंड केक बेकर्स है, तो यहाँ पे मैंने क्रीम लेनी है, और मैं देखता हूँ मैंने क्या लेना है। तो अभी क्रीम के डब्बे ले कर मैं आप जा रहा हूँ घर। तो हम सामान रेडी कर रहे हैं इसलिए, अब चलने घर जाके वीडियो बनाऊंगा बाकी। तो अब मैं साथ हेल्प करा रहा हूँ, ये देखें तकरीबन सब कुछ तैयार हो गया, और बस ये कर रहा हूँ क्या कहते हैं पीस रहा हूँ। तो आया दो चावल, और ये हमारी चिकन तैयार हो गया, ये देखो। तो ये वो अच्छा इधर चिकन, ये चिकन। इसके बाद अब ये सब्ज़ी हमने रखी है, जो अब हम इसको करेंगे बनाएंगे, फिर आपको दिखाऊंगा जब फुल तैयार हो जाएगा। तो चिकन को हमने कोयले की दम दी थी, तो और अब ये सब्ज़ी बना रहे हैं जो चावल के ऊपर डाल के खाते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाऊंगा जब फुल रेडी हो जाए। चीज़ें तो हमारी सारी रेडी हो चुकी हैं, और अब हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो काफ़ी देर लगा रहे हैं, अब पता नहीं जी कब आएंगे। भूख से तो मेरी भी हालत ख़राब हो रही है, और चलो अब उनका वेट करते हैं, जब आएंगे तो फिर हम रखेंगे और शुगर में लगाएंगे। तो ये देखें अब डिश हमारी रेडी हो चुकी है, ये दो ट्रे हमने भर दी हैं, और अब हम खाने लगे हैं। अब खाने के बाद आपको बताऊँगा कैसी बनी। अब चीज़ें भी ट्राई कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये भी देखने लगे हैं, पता नहीं कैसा हो। इनकी डीज है अच्छी लगी, डीज तो अच्छी लगी, देखते हैं इसमें इनका टेस्ट कैसा होगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, अभी तो खाली लग रहा है सारा हॉल, तो हम इसका ट्राई करेंगे फर्स्ट टाइम। ये हमने एक क्या ऑर्डर किया है, दो बर्गर ऑर्डर किए हैं, दो मील होते हैं, उसके साथ हमने एक पिज़्ज़ा स्टैकर ऑर्डर किया है, जो फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ, कहते हैं यहाँ का बेस्ट होता है। मैंने कहा चलो देख लेते हैं कैसा होता है ये भी, तो इंतज़ार कर रहे हैं।
आपको पता है सबसे मुश्किल चीज़ होती है वेटिंग, जो कि मेरे से वेटिंग नहीं होती और भूख लगी है बहुत सारा, तो अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तकरीबन गुजर चुके आधा घंटा इंतज़ार करते करते, अभी भी पता नहीं कहते हैं थोड़ा टाइम लगेगा और भूख से अब हालत ख़राब हो रही है, तो देखते हैं अब और कितना टाइम लगाते हैं प्लेट्स रखने के लिए। और अभी एक चीज़ आई है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या लेगा। यार ये बर्गर छोटे से लग रहे हैं, मैंने सोचा बड़े होंगे। ट्राई करते हैं क्या करते हैं। टेस्टी है, डिफरेंट है यार, वाकई मज़े का। ट्राई करना दे गरम है, बहुत गर्म है अभी, लगते स्टॉप कर देना। बहुत मज़े गर्म है बहुत। के फ्री हुए हैं और इनका बर्गर मज़े का था, लेकिन जो पिज़्ज़ा स्टैकर था ना बहुत ज़्यादा मज़े का था, तो फुल हो चुके हैं हम बहुत। अभी हमने एक और ऑर्डर किया है जो घर में लेके जाएंगे अम्मी डैडी के लिए, तो अब उसके लिए दोबारा इंतज़ार करना पड़ रहा है हमें। वेट कर लेते हैं 5-10 मिनट और, देखें प्लेटें खाली पड़ी तो चले क्या कह सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल मेरे नाम पर फटा है और मैं पे कर चुका हूँ, तो अब मैं थोड़ा सा कंगला हो चुका हूँ, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बिल मैंने पे किया है। फर्स्ट तो सेकंड पे आ रहे हैं। ये भी लेके जा रहे हैं आप, चाबी सही भाई। हम जवाब अंदर ही नहीं आ रही। मैं सारा कुछ निकाल रहा हूँ।